बाड़मेर के समदड़ी में रेलवे स्टेशन के पास आदर्श कॉलोनी स्थित राम कुटिया को बेचने से रोकने की मांग बुलंद हो गई है। इसके बेचान को रोकने की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने कहा कि पुजारी ने अवैध तरीके से 40 से 50 साल पुरानी राम कुटिया का फर्जी पट्टा तैयार करवाकर इसे अपने नाम कर लिया है और अब इसे बेचने की तैयारी कर ली है। उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर इसके बेचान पर रोक लगाने की मांग की है और पुजारी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। हमारे पड़ोस में सीताराम जी की कुटिया है, परमहंस जी सीताराम जी की, जो जिसमें अब वो देवलोक हो गए हैं और उनका पहले पट्टा बना हुआ था। उसके उपरांत फिर बजरंग दास एक बड़ी महाराज है, उन्होंने जबरदस्ती से फर्जी पट्टा बना के और फिर इन्होंने पट्टा जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।